वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस से रिलेटेड हमने जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हरियाणा पुलिस यानी डिपार्टमेंट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपको करवाते हैं, ठीक है। इस सीरीज में हम एक भाग पहले से डाल चुके हैं, आज ये भाग नंबर इसका सेकंड रहेगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी कौन बने? बीएस संधु, मनोज यादव, एसएस देसवाल, अनिल राव। तो प्यारे साथियों, जब ये प्रश्न पूछा गया हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी कौन बने, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट रहेगा आपका ऑप्शन, इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी कौन बने साथियों? मनोज यादव। और साथियों, अब इनका यहां पे कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कब साथियों? 31 जुलाई 2021 को इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब प्रश्न पूछा गया तब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट रहेगा ऑप्शन, इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और डीजीपी की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। डीजीपी की फुल फॉर्म क्या है साथियों? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अब वर्तमान में हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी कौन है, ठीक है। नहीं तो अगली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी कौन है, ठीक है। और साथियों, इन सभी की जो पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, केंद्र सरकार हरियाणा के किस जिले के गांव मातनहेल में प्रदेश के तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना को मंजूरी दी? करनाल, पलवल, झज्जर, जी। तो प्यारे साथियों, जिन्होंने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी के साथ। तो प्यारे साथियों, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो याद रखेंगे झज्जर। और झज्जर का कौन सा गांव है साथियों? मातनहेल, ठीक है। और पहला आपका सैनिक स्कूल कहां पे खुला था साथियों? तो सभी को क्लियर है, कुंजपुरा। और ये कुंजपुरा कहां पे है साथियों? करनाल में, ठीक है। और कब? 24 जुलाई 1961 को, ठीक है। और दूसरा आपका साथियों रेवाड़ी में, कब? 29 अगस्त 2008 को, ठीक है। और तीसरा साथियों मातनहेल, और ये मातनहेल कहां पे है? झज्जर में, ठीक है। प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं की स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा में किस फोर्स का गठन किया जा रहा है? 24x7 फोर्स, त्वरित रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राज्य आपातकाल फोर्स। तो जिन्होंने सी को सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी के साथ। तो प्यारे साथियों, प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं के स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा में किस फोर्स का गठन किया गया? तो याद रखेंगे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। इस फोर्स को किसके लिए बनाया गया साथियों? जो प्राकृतिक और मानवीय जो आपदाएं होती हैं उनके निपटान के लिए इस फोर्स का गठन किया गया है, ठीक है। हरियाणा की पहली व देश की तीसरी महिला असिस्टेंट कमांडेंट कौन बनी? सौम्या, कविता रानी, कल्पना सूद, अंजलि कश्यप। तो जिन्होंने ए को सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट ऑप्शन साथियों ए के साथ। ये हरियाणा की तो कौन सी साथियों? पहली। और देश की कौन सी है? ये तीसरी महिला असिस्टेंट कमांडेंट है। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, सौम्या, ठीक है। और ये असिस्टेंट कमांडेंट किस में थी साथियों? ये बीएसएफ में थी, ठीक है। और इसका संबंध कहां से है? तो याद रखेंगे सोनीपत से इनका संबंध है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, हरियाणा प्रदेश में पहली बार महिला हरियाणा रिजर्व पुलिस बटालियन का गठन होगा, जिसके लिए कितने पद मंजूर किए गए? 840, 1050, 1129, 1285। तो जिन्होंने सी को सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी के साथ। साथियों, हरियाणा प्रदेश में पहली बार महिलाओं के लिए कौन सी हरियाणा रिजर्व पुलिस
बटालियन का गठन होगा जिसके लिए कितने पद मंजूर किए हैं, तो याद रखें 1129। ठीक है, और प्यारे साथियों इस बटालियन का मुख्य कार्य क्या है, जो महिलाएं प्रदर्शनकारी होती हैं, जो महिलाएं प्रदर्शन करती हैं और महिलाओं की सिक्योरिटी जांच हेतु के लिए इस बटालियन का गठन किया जाएगा। ठीक है, हरियाणा में बदमाशों को पकड़ने के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स के लिए कितने पद स्वीकृत किए गए, 50, 100, 130, 150। तो जिन्होंने डी को सेलेक्ट किया बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका डी के साथ। साथियों हरियाणा में किनको बदमाशों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के लिए कितने पद स्वीकृत किए, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, 150। ठीक है, हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, 5, 10, 13, 18। तो साथियों ये 2019 की बात है, पिछली वीडियो में हमने 2020 की बात की थी, इससे अगली वाली वीडियो में हम 2021 की बात करेंगे। ठीक है, यानी कंटिन्यू डाटा आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, अभी आपसे पूछा गया हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखेंगे ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। कितने पुलिस पदक दिए गए, तो याद रखेंगे 13। ठीक है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में पुलिस बल के 71 शहीदों के नाम पर कौन से पुरस्कार शुरू किए गए, अमर शहीद पुरस्कार, शूरवीर पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार, जन सेवक पुरस्कार। तो जिन्होंने सी को सेलेक्ट किया बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी के साथ। साथियों हरियाणा में पुलिस बल के 71वें शहीदों के नाम पर कौन से पुरस्कार शुरू किया गया, तो याद रखें ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, शौर्य पुरस्कार। ठीक है, 1966 से लेके अब तक के जितने भी शहीद हैं सभी शहीदों के नाम पे कौन सा पुरस्कार शुरू किया है साथियों, तो याद रखेंगे शौर्य पुरस्कार। ठीक है, हरियाणा में किस विभाग की डिजिटल टीम को स्मार्ट पुलिसिंग पहल श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन के लिए अवार्ड मिला, हरियाणा गुप्तचर विभाग, हरियाणा इलेक्शन विभाग, हरियाणा आईटी विभाग, हरियाणा महिला पुलिस विभाग। तो जिन्होंने ए को सेलेक्ट किया बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका ए के साथ। तो प्यारे साथियों हरियाणा में किस विभाग की डिजिटल टीम को स्मार्ट पुलिसिंग पहल श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन के लिए अवार्ड मिला, तो याद रखेंगे हरियाणा गुप्तचर विभाग। ठीक है, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, हरियाणा में वाहन चोरी की वारदातों को सुलझाने के लिए पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, चोर मचाए शोर ऐप, थीप कैचअप, मैच एंड कैचअप, आ देखे ऐप। तो जिन्होंने सी को सेलेक्ट किया बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी के साथ। साथियों हरियाणा में वाहन चोरी की वारदातों को सुलझाने के लिए पुलिस ने कौन से ऐप को लॉन्च किया, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट, मैच एंड कैचअप। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा पुलिस द्वारा जनता के सम्मान को बनाए रखने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया, ऑपरेशन सम्मान, ऑपरेशन श्रीमान, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन आदर। तो जिन्होंने बी को सेलेक्ट किया बिल्कुल राइट ऑप्शन साथियों बी के साथ। हरियाणा पुलिस द्वारा जनता के सम्मान को बनाए रखने के लिए किस अभियान को शुरू किया, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑपरेशन श्रीमान। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या के लिए प्रयास से संबंधित है, धारा 66A, धारा 309, धारा 311, धारा 420। तो जिन्होंने बी को सेलेक्ट किया बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका बी के साथ। साथियों भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या के लिए प्रयास से संबंधित है, तो 309 ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और प्यारे साथियों आईपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड जितनी भी धाराएं हैं इनके लिए हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज शुरू कर रखी है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा में एचसीएस अफसरों का कैडर कितना है, 200, 250, 300, 350। तो जिन्होंने सी को सेलेक्ट किया बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी के साथ। साथियों हरियाणा में एच सी एस अफसरों का कैडर कितना है, तो याद रखेंगे ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, 300। ठीक है, गुड़गांव के कादरपुर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एकेडमी में अधिकारियों के 50वें बैच की दीक्षांत परेड में किसने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया, उपराष्ट्रपति एम के नायडू, सीएम मनोहर लाल,
वित्त मंत्री अरुण जेटली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जिन्होंने ए को सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका ए के साथ। साथियों कहाँ पे, गुड़गांव के कादरपुर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकेडमी में अधिकारियों के 50वें बैच की दीक्षांत परेड में किसने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया? तो याद रखें उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति कौन साथियों? एम वेंकैया नायडू। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में आर्मी प्रीपेरेटरी सेंटर कहां पर खोला जा रहा है? कुंजपुरा, हरिता, खांडा, कलायत। तो जिन्होंने सी को सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी के साथ। साथियों हरियाणा में आर्मी प्रीपेरेटरी सेंटर कहां पे खोला जा रहा है? तो याद रखें खांडा, और ये खांडा कहां पे है साथियों? सोनीपत जिले में। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक बनाया गया? अजमेर सिंह, कृष्ण कुमार, एसएस देसवाल, विजय वर्मा। तो जिन्होंने सी को सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी के साथ। साथियों हरियाणा के कैडर किस आईपीएस अधिकारी को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक बनाया गया? तो याद रखेंगे एसएस देसवाल को। ठीक है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को पुलिस पब्लिक स्कूलों में किस कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी? 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं कक्षा। तो जिन्होंने साथियों डी को सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका डी के साथ। साथियों हरियाणा में शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को पुलिस पब्लिक स्कूलों में किस कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो 12वीं कक्षा तक। ठीक है, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। हरियाणा में राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर, 2 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछली जो वीडियो रही हमारी, फर्स्ट वीडियो जो इसका फर्स्ट भाग था, उसमें ये प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है, हरियाणा में राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया गया, तो इसका जो भी राइट आंसर है साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और टोटल प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।